सरकारी कंपनियों में चीन की सेवाओं, वस्तुओं और ठेकों पर लगा प्रतिबंध। भारत सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। गुरुवार 23 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तुओं, सेवाओं और ठेकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है, जो उन देशों के बोली दाताओं पर लागू होता है जिनकी सीमा भारत से सटती है। इसका सीधा असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे देशों पर होगा। नए नियम के तहत भारत की सीमा से सटे देशों से बोली लगाने वाली कंपनियां गुड्स एंड सर्विसेज की बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगी जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होंगी। बता दें कि सरकार का ये आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, उद्यमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को जिसे सरकार या इसके उपक्रमों से वित्तीय सहायता मिलती हो उस पर लागू होता है। SBI का नया रुपए कार्ड लॉन्च, MSMEs व स्टार्टअप्स का होगा खास फायदा। SBI बैंक इंडिया एंड कैश व AP और रुपए ने मिलकर SBI एंड कैश रुपए बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड होने का दावा है। ये क्रेडिट कार्ड रुपए नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा और किसी भी SBI बैंक टच पॉइंट पर MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल और पेपरलेस ऑनबोर्डिंग के जरिए तत्काल जारी हो सकेगा। SBI एंड कैश रुपए बिजनेस कार्ड से बिजनेस परचेजेस, बिल पेमेंट, ट्रैवल खर्च, ऑटोमेटेड GST, रेंटल पेमेंट्स, सप्लायर्स को पेमेंट, सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन खरीद, क्लाउड बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, इन्वेंट्री की ऑनलाइन खरीद आदि की जा सकती है। इन सबके मामले में क्रेडिट पीरियड 30 दिन का होगा। MSME के लिए डिजिटल कारोबार की राह आसान नहीं। अभी सिर्फ 2.5% MSME करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात जरूर हो रही है, लेकिन सच्चाई इससे जुदा है। चाहे अनचाहे डिजिटल ट्रांजैक्शन की राह में अवरोध ही ज्यादा है। यही कारण है कि देश के 6 करोड़ MSME में से सिर्फ 15 लाख डिजिटल कारोबार करते हैं। बता दें कि सरकार आगामी 1 अक्टूबर से ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री पर 1% TDS लगा सकती है। ये TDS कुल बिक्री पर लगेगा। डिजिटल कारोबार के लिए GST नंबर की अनिवार्यता की वजह से अधिकतर MSME ई कॉमर्स में नहीं आना चाहते हैं। सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले MSME GST के कॉम्पोजिट स्कीम को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने सालाना कारोबार का 1% टैक्स के रूप में देना होता है। GST नंबर लेने एवं रिटर्न भरने जैसे काम से वो मुक्त होते हैं। OK क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।